स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपके पास क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट। अब क्वांटम थ्योरी ऑफ जो नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट है, सेम वही करना है। इससे पहले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो क्लासिकल थ्योरी था। क्लासिकल थ्योरी में हमने क्या इवेल्युएट किया था, हमने फ्रिक्वेंसी इवेल्युएट की थी। फ्रिक्वेंसी इवेल्युएट इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी और इन टर्म्स ऑफ जो आपके पास जो वेवलेंथ है उसको आप क्या बोलते हो, ज़ीमन शिफ्ट भी बोलते हो। वहाँ पे जो आप फ्रिक्वेंसी फोर्स के थ्रू कैलकुलेट कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, बट इन केस ऑफ क्वांटम थ्योरी के अंदर जो आप ज़ीमन इफेक्ट निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे आप टोटल एनर्जी मेजर आपको फ्रिक्वेंसी ही करनी है, लेकिन किसकी हेल्प से करोगे, एनर्जी की हेल्प से। तो एनर्जी की हेल्प से हम कैसे मेजर करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या लिया, किसी भी एटम को वहाँ प्लेस करा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यही। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या रखा, एक नेगेटिव चार्ज लिया और एक आपने क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में आपके पास किसी भी सोर्स है, कोई भी सोर्स। अब वो सोर्स क्या करेगा, जिसमें पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये दोनों चार्जेस एक अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक रिपेल। तो जो अट्रैक्ट होंगे वो अपोजिट होंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के, जस्ट अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो और इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या लगेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, क्योंकि दोनों अट्रैक्ट करते हैं। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब जब आप इन्हें स्प्लिट करोगे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को, रोटेट कराओगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये कैसे रोटेट करेंगे, हमारे पास ऐसे रखें आपके पास चार्जेस, अब ये रोटेट करेंगे या तो ऐसे या फिर किसी भी एंगल पर रोटेट कर रहे हैं हमारे पास, या फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारे पास कैसे मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई है कि ये नेगेटिव चार्जेस हैं और ये पॉजिटिव चार्जेस, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा और ये नेगेटिव फील्ड की। यहाँ पे हमने एज्यूम करके बता दिया आपको कि सोर्स है इस तरीके से। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इवेल्युएट करनी है। जो अब ये जो चार्जेस आपके पास रोटेट हुए हैं वो कैसे रोटेट हुए, आपके पास किस एंगल पर रोटेट हुए, थीटा एंगल पर। तो आप यहाँ पे क्या इवेल्युएट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके टर्म्स में निकालनी है, डी थीटा के टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास टॉर्क अप्लाई होगा, तो टॉर्क आप निकाल सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू एल इनटू बी, क्योंकि टॉर्क एक्ट कर रहे हैं हमारे पास। और वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट को आप क्या लिखते हो, साइन थीटा, म्यू एल बी साइन थीटा। अब आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, क्योंकि आपको किसकी टर्म्स में निकाला है, चार्जेस हैं, चार्जेस रोटेट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट को चार्ज के फॉर्म में लिखो। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में ज़ायरा मैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू क्यू बाय टू एम इन टू, जो टर्म आपके पास किसके लिए निकाल रहे हो। अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ऑर्बिटल मोशन के लिए आप क्या लिखेंगे, एल। स्पिन मोशन आप बोलेंगे, स्पिन मोशन नहीं हुआ है यहाँ पे। एक चीज़ और, नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट के अंदर जो ज़ीमन इफेक्ट आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप स्पिन कंसीडर नहीं करते, स्पिन इज टोटली ज़ीरो, इसलिए हम कभी भी स्पिन का केस नहीं लेंगे इसमें। किसकी बात करेंगे, ऑर्बिटल की बात। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जनरली जो फॉर्मूला होगा, म्यू बाई जी इज इक्वल टू क्यू बाई टू एम। अब चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ई बाई टू एम इन टू एल। अब ज़ायरा मैग्नेटिक रेशियो ऑर्बिटल के लिए कितना होगा, वन, तो इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएगी, ऑर्बिटल के लिए म्यू इज इक्वल टू माइनस ई बाई टू एम इन टू कैपिटल एल। अब ये म्यू एल की वैल्यू आपको कहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, इस टॉर्क वाले फॉर्मूले में। तो आप यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है, टॉर्क इनटू डी थीटा। अब क्योंकि एंगल डी थीटा से रोटेट कर रहा है, स्मॉल एंगल से। अब कितना एंगल बना हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमने भूल दिया कि कहाँ से कहाँ तक रोटेट कर रहा है आपके पास, कैसे रखा हुआ था ये ऐसे। तो आपके पास किसी भी एंगल थीटा तक रोटेट करा, 90 से थीटा में, तो 90 से थीटा इसकी लिमिट हो गई आपके पास। और टॉर्क की आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, म्यू एल बी साइन थीटा डी थीटा। अब आपको इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप डायरेक्टली वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, म्यू एल बी आपके पास जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो आपने बाहर ले ली, और साइन थीटा का जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपके पास टर्म क्या आएगी, माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट कहाँ से, पाई बाय टू से लेके थीटा, मतलब 90 डिग्री से
थीटा तक रोटेट कर रहे हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट म्यू एल बी कॉस थीटा एज इट इज माइनस कॉस पाई बाय टू कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, कॉस 90 या कॉस पाई बाय टू की वैल्यू जीरो, तो माइनस म्यू एल बी कॉस थीटा बचेगा आपके पास, जो आपके पास ये टर्म आ गई पोटेंशियल एनर्जी की। अब ये टर्म्स आपको कहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, टोटल एनर्जी में। जो भी आपके पास वैल्यू आई थी पोटेंशियल एनर्जी वो म्यूएल बी कॉस थीटा के, यहाँ पे आपने म्यूएल की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी ई बी एल अपॉन में टू एम। अब जो कॉस थीटा है इंटू में कॉस थीटा, अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो ई बी अपॉन में टू एम। ऑर्बिटल मोशन जो है आपके पास, टोटल ऑर्बिटल कितना होता है अंडर रूट ऑफ एल प्लस वन ऑफ एच कट, ये टर्म्स होती है, एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी इंटू कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करो एम एल अपॉन में अंडर रूट एल ऑफ एल प्लस वन। ये टर्म कैसे आई है आपके पास, जब कोई भी आप मैग्नेटिक फील्ड को जेड डायरेक्शन के अंदर प्लेस करते हो तो कॉस थीटा की वैल्यूज इवेलुएट करते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन लेते हैं, तो मैंने बोल दिया एल जेड अपॉन में टोटल ऑर्बिटल, अगर आप ऑर्बिटल्स के लिए निकाल रहे हैं तो एल जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे एम एल ऑफ एच कट अपॉन में अंडर रूट ऑफ एल प्लस वन ऑफ एच कट, एच कट से एच कट कैंसिल, आपके पास टर्म क्या रहेगी एम एल डिवाइड बाई अंडर रूट एल ऑफ एल प्लस वन। तो आपके पास यहाँ पे जो टर्म कैंसिल आउट है उसे कैंसिल करो, इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, और ई बी अपॉन में टू एम इंटू एच कट, एच कट ई एच कट अपॉन में टू एम इंटू बी, ये टर्म्स आ जाएगी। और इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं ई एच कट अपॉन टू एम को, मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म्स, बोहर मैग्नेटॉन की टर्म्स में, दिस टर्म इज बोहर मैग्नेटॉन ई एच अपॉन में टू एम, तो पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन आपको मिल गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अब वो कैसे निकालोगे, टोटल एनर्जी से, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने ई नॉट से रिप्रेजेंट किया है, प्लस वी एम पोटेंशियल एनर्जी है, तो E नॉट प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने निकाली है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, वो आपके पास क्या है एम एल म्यू बी इंटू वी, तो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। तो अब आपके पास ये टोटल एनर्जी की इक्वेशन आ गई। अब इसमें आपको दो टर्म्स मिलेगी, या तो आपके पास इनिशियल या फिर फाइनल, वो डिपेंड करेगा ज़ीमन इफेक्ट के स्प्लिटिंग पर। अब ज़ीमन इफेक्ट में जो स्प्लिटिंग होगी लोअर और अपर लेवल के बीच में हो रही है, हमारे पास या तो ट्रांजिशन कहाँ से होगा अपर से लोअर लेवल में, अपर से लोअर लेवल के अंदर ट्रांजिशन होता है, तो हमारे पास एक लेवल होगा इनिशियल का एनर्जी का और एक लेवल होगा फाइनल के लिए। तो इनिशियल के लिए ई नॉट इनिशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एम एल म्यू बी इंटू बोहर मैग्नेटॉन, और मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेंगे, यूनिफॉर्म है ये, और जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो इनिशियल होगा, क्योंकि एम एल की वैल्यू इनिशियल अलग होगी और फाइनल वैल्यूज अलग। अलग क्यों है, हमारे पास एल की वैल्यू जो आप चूज वैल्यूज लोगे, जैसे सपोज करो एल की वैल्यू आपने जीरो ली, तो एम एल आपके पास कहाँ से कहाँ तक डिपेंड करेगा, माइनस एल से प्लस एल में। एल की वैल्यू लोअर लेवल के लिए जीरो है तो एम एल की वैल्यू तीन हो जाएंगी, एल की वैल्यूज अगर वन है तो एम एल की वैल्यू माइनस वन से लेके प्लस वन तक आपके पास हो जाएगी। तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी आपने रिप्रेजेंट कर दी, यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फ्रिक्वेंसी कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू एच फ्रिक्वेंसी होता है, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो वैल्यूज यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करोगे कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास जंप कर रहे हैं फाइनल एनर्जी से लोअर एनर्जी में, तो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगी स्पेक्ट्रल लाइंस में। आपको पता ही है कि जब हमारे पास लोअर के अंदर लोअर एनर्जी सॉरी लोअर स्टेट के अंदर जब एटम्स होते हैं, जब वो एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद जब वो एमिट करते हैं तो हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी एमिट करती है, तो उस फ्रिक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी डिवाइडेड बाय ऑफ एच। तो इनिशियल एनर्जी आपके पास क्या है यहाँ पे, ये वाली टर्म्स माइनस फाइनल एनर्जी ये वाली टर्म्स डिवाइडेड बाय एच, तो इन दोनों में से ये वाली टर्म्स एनर्जी को एक वन साइड एंड इस वाली टर्म्स को अदर साइड हमने ले लिया, तो आपके पास फ्रिक्वेंसी की टर्म्स आ गई ये वाली इक्वेशन। अब यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी आप कैलकुलेट करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो जो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू, इस टर्म को मैं इनिशियल फ्रिक्वेंसी मान लूँ, क्योंकि ये टर्म भी तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, यही तो लिखते हो आप E इज इक्वल टू एच फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू E बाय एच। अब ये E क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में H, तो ये टर्म भी तो हमारे पास सेम ही आ रही, तो हमने बोल दिया इनिशियल फ्रिक्वेंसी जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो फ्रिक्वेंसी नॉट से, प्लस एम एल इनिशियल माइनस एम एल एफ, इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ डेल ऑफ एम एल, जैसे इनिशियल माइनस फाइनल को यही तो लिखते हो डेल ई, अगर एनर्जी टर्म्स में लिखना हो तो आप क्या लिखो इनिशियल माइनस फाइनल, इसी तरीके से एम एल के लिए डेल एम एल म्यू बी इंटू बी बाय एच, तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी नॉट, यहाँ पे म्यू बी की मतलब बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट करी है एच अपॉन में
2mh into b. म्यू बी की वैल्यू क्या होती है आपके पास EH अपॉन में 2m, और H नीचे है ये आपके पास डिनोमिनेटर में इनटू में b, तो आपके पास टर्म क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नॉट डेल एम एल ई बाय 4πm इनटू b. अब ये जो फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है इसके बेस पे हम ट्रांजिशन देखेंगे. अब वो ट्रांजिशन क्या होता है आपके पास, जो ऑर्बिटल का जो ट्रांजिशन होगा आपके पास, मतलब यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक ऑर्बिटल टर्म्स आई है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे ml की वैल्यूज देखनी है कि l, अगर आप देखते हो एल की प्लस माइनस वन पे डिपेंड करते हैं सिलेक्शन रूल, और अगर डेल एम एल की बात करते हो तो ये डेल एम एल कहाँ से कहाँ तक होगा, प्लस एल से लेके माइनस एल. तो प्लस एल कितना है, अगर आपके पास वन है तो प्लस वन से लेके माइनस वन तक वैल्यूज हो जाएंगी डेल एम एल की. तो प्लस वन से माइनस वन में कितनी वैल्यूज आएंगी आपके पास, वन जीरो और माइनस वन. तो डेल एम एल की वैल्यूज आपके पास होंगी सिलेक्शन रूल के लिए 1, 0 और माइनस वन. तो एक बार आप डेल एम एल की वैल्यूज यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में आपको एक बार 1 सब्सटीट्यूट करनी है, 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास ई अपॉन में 4πm इंटू बी वाली टर्म्स, एक बार आप 0 पुट करो, 0 पुट करने पे टोटल टर्म 0, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नॉट, मतलब जो वैल्यूज आई है हमारे पास किसके इनिशियल की इक्वल आ गई, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नॉट. एक बार आपको क्या पुट करना है, माइनस वन, ये टर्म्स हो गए, ये लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, ये मिड फ्रीक्वेंसी, यही टर्म्स आई थी ना आपके पास. कोई भी लाइन अगर आपके पास स्प्लिट हो रही है तो किस कितने लाइंस में रिप्रेजेंट हो गई, 3 लाइंस के अंदर. अब ये तो हो गई आपके पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नॉट मिडल कंपोनेंट, और ये वाली टर्म्स हो गई आपके पास लोअर फ्रीक्वेंसी नेगेटिव वाली, और ये टर्म्स हो गई आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी ई बी अपॉन में 4πm. और यहाँ पे जो ई बी अपॉन में 4πm है उसे आप डेल फ्रीक्वेंसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो मैं इस टर्म को ये बोल दूँ फ्रीक्वेंसी नॉट माइनस डेल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नॉट प्लस ऑफ डेल फ्रीक्वेंसी. तो ये टर्म्स आ गई आपके पास फ्रीक्वेंसी वन की वैल्यूज कितनी आ गई आपके पास, फ्रीक्वेंसी नॉट प्लस डेल फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी टू आपके पास फ्रीक्वेंसी नॉट, एंड फ्रीक्वेंसी थ्री इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नॉट माइनस ऑफ डेल फ्रीक्वेंसी. अब आपको सिलेक्शन रूल देखना है किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है सिलेक्शन रूल के बेस पे. तो अगर आपको टोटल वैल्यूज निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो टोटल सब लेवल्स कैसे फाइंड आउट करते हो आप, 12+1 से, क्योंकि जीमन के अंदर स्पिन का केस कंसीडर नहीं करते, स्पिन इज ऑलवेज जीरो. सिर्फ किस इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा वो डिपेंड करेगा ऑर्बिटल पे, अगर ऑर्बिटल पे डिपेंड कर रहा है तो उसकी टोटल वैल्यूज कैसे निकालोगे, 12+1 से. तो हमने इसमें एग्जांपल लिया है, एक बार एल की वैल्यू 1 है कंसीडर किया L1 और L2 के लिए, L1 जो है आपके पास इनिशियल लेवल और L2 हायर लेवल. अब आपको ये जो ट्रांजिशन देखना है जीमन के अंदर, एक बार जो सिंगलेट लाइन थी वो कहाँ पे थी आपके पास, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, और एक बार मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट के लिए दोनों स्पेक्ट्रम लाइंस मेजर करनी है. तो मैंने दो केस लिए हैं यहाँ पे L1 और L2 के लिए. तो आपको किस बेस पे ट्रांजिशन देखना है, यहाँ पे देखो वैल्यूज जो आपने निकाली थी अभी डेल फ्रीक्वेंसी किसकी टर्म्स में लिखा था, ML की टर्म्स में आपने फ्रीक्वेंसी लिखी है यहाँ पे. तो ML के बेस पे आप यहाँ पे ब्रेक करोगे इन लाइंस को L को, तो L1 की लाइंस को जब आप ML की फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो 1 की वैल्यू ML क्या होता है, माइनस L से प्लस L, माइनस L से अगर प्लस L है तो माइनस 1 से प्लस 1 तक, माइनस 1 0 1. तो हमारे पास 3 लाइंस में ब्रेक हुआ ये ML. सेम इंस्टेंस L2 को ब्रेक करो तो माइनस 2 से प्लस 2, तो माइनस 2 से प्लस 2 में टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 5. या फिर डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पे रख के निकालो, L की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो टोटल सब लेवल्स निकालो, 2 × 2+1 टोटल वैल्यूज 5. तो आपके पास ऊपर वाले के लिए 5, और L1 के लिए आपके पास कितने केस आ जाएंगे, 3 केस. अब अपर से लोअर लेवल के बीच में ट्रांजिशन करना, ये नहीं है कि आप यहाँ से यहीं ट्रांजिशन कर दो तो वो ट्रांजिशन गलत होगा, ऐसे ट्रांजिशन नहीं कर सकते क्योंकि अपर लेवल के ही केस है. अब ट्रांजिशन में हमें क्या देखना है कि ML की वैल्यू या तो प्लस वन, जीरो, माइनस वन हो. तो अब आप अपर लेवल के केस में, तो जो आपको 3 लाइंस मिल रही थी जीमन शिफ्ट के अंदर, तो आपके पास लोअर फ्रिक्वेंसी मतलब माइनस वन वाली टर्म्स यहाँ थी, मिड में क्या थी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मतलब 0, और यह वाली टर्म्स क्या होंगी, प्लस 1. तो आपने प्लस 1 वाली टर्म्स इस साइड, लोअर मिडर 0 वाली टर्म्स L0 के लिए ये वाले मिड में, और माइनस 1 के लिए ये लोअर फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी. अब देखो अपर वाली ट्रांजिशन से ट्रांजिशन कैसे करेंगे आप, अपर स्टेट क्या है ML2 और नीचे वाली स्टेट क्या है आपके पास ML1. तो 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करो तो आपके पास टर्म कितनी आएगी, 2 में से 1 गया
वन, तो आपके पास ml का सिलेक्शन रूल कितना होना चाहिए, प्लस वन, प्लस माइनस वन और जीरो. प्लस माइनस वन अगर जीरो है तो टू में से वन सब्ट्रैक्ट होने पे आपके पास वन है, दैट मीन्स ट्रांजिशन अलाउड है और तो आपके पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी. सेम एज इट इज वन का आप वन के अंदर ट्रांजिशन करो, वन में से वन गया जीरो, तो वन से वन में भी ट्रांजिशन अलाउड है. जीरो से वन में करो, जीरो माइनस वन माइनस वन, ये ट्रांजिशन भी अलाउड. माइनस वन से माइनस वन में माइनस टू, तो ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा. माइनस टू से माइनस वन के अंदर माइनस थ्री, तो ये ट्रांजिशन भी अलाउड नहीं होगा. तो यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगी. सेम एज इट इज अब टू का जीरो के लिए, अब फिर वन का जीरो के लिए, फिर जीरो का इस लेवल के लिए. तो इस तरीके से आपके पास ये तीन ट्रांजिशन लाइन्स आएंगी. अब वन टू थ्री टोटल लाइन्स कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टोटल ट्रांजिशन लाइन्स आपके पास कितनी आई है, नाइन ट्रांजिशन लाइन्स. तो अब आप इसमें ज़ीमन शिफ्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तो आप एग्जाम्पल लेके आपको ट्रांजिशन के बेस समझाना पड़ेगा किस तरीके से आपने ट्रांजिशन करा है. फिर आप इसमें ज़ीमन शिफ्ट निकालेंगे. अब ज़ीमन शिफ्ट क्योंकि आप ज़ीमन इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेवलेंथ की टर्म्स में आपको टर्म्स निकालनी है. अभी आपने फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में निकाले हैं, अब इसी को आप वेवलेंथ की टर्म्स में कैसे फाइंड करेंगे, ज़ीमन शिफ्ट की हेल्प से. क्योंकि देखो ज़ीमन के अंदर आपने स्टार्टिंग में ही इसलिए किया था कि स्पिन क्या थी, आपके पास जीरो होती है. सिर्फ ऑर्बिटल के मोशन की स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टोटल वैल्यूज अगर आप निकालते हो जे की, तो आपके पास वैल्यूज कितनी आएंगी, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस होगा. स्पिन इज कंसिडर नहीं होती, स्पिन जीरो, तो जे इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ, एल के इक्वल. अगर जे एल के इक्वल है तो आप ज़ीमन शिफ्ट में इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि ज़ीमन शिफ्ट मतलब लैंडी इंटरवल रूल. और वो फॉर्मूला क्या होता है, जे इज इक्वल टू वन प्लस जे ऑफ जे प्लस वन माइनस एल ऑफ एल प्लस वन प्लस एस ऑफ एस प्लस वन डिवाइड बाई टू जे ऑफ जे प्लस वन. ये फॉर्मूला स्टडी किया था आपने स्पिन ऑर्बिट इंट्रक्शन के अंदर, यूनिट वन के अंदर, यूनिट वन में. तो इस फॉर्मूले को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वन प्लस जे स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर डिवाइड बाई टू ऑफ जे जे प्लस वन. और यहाँ पे जे स्क्वेयर को किस फॉर्म में लिख रहे हो, जे जे प्लस वन में. अब आपके पास जे की वैल्यूज मिली गई है क्योंकि स्पिन जीरो है, तो जे की वैल्यूज क्या है, एल. जे की एल सॉरी जे इज इक्वल टू एल, इस वाली इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट करो तो एल इंटू एल प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन, एस का जीरो होगा, डिवाइड बाई टू जे जे प्लस वन. एलसीएम कॉमन लोगे, एलसीएम लो इस वाली इक्वेशन के अंदर सॉल्व करो, तो आपके पास जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन. अब आपको जी की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ज़ीमन शिफ्ट मिल गया. अब जी की वैल्यू जो आपको मिली है, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ड्यूरिंग नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट से जो फ्रिक्वेंसी आई थी आपके पास, हायर फ्रिक्वेंसी, लोअर फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी, वन एम एल की वैल्यू वन पे ये टर्म्स थी, जीरो पे ये वाली टर्म्स, माइनस वन पे ये टर्म्स. तो अगर आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपने ये वाली इस टर्म को किस फॉर्म में लिखा था, फ्रीक्वेंसी वन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नॉट प्लस ई बी अपॉन फोर पाई एम को डेल फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में ये लिखा था. तो यहाँ पे चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है. तो वेवलेंथ आप किससे फाइंड करेंगे, चेंज इन फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि ये वाली टर्म तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, फ्रीक्वेंसी नॉट हमें पता ही नहीं है, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी की टर्म्स में है. और डेल फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि प्लस माइनस ई बी अपॉन में फोर पाई एम है ऑर्बिटल मोशंस के लिए. तो आप c इज इक्वल कैसे निकाल सकते हैं, c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा से वेवलेंथ की टर्म्स में से कैलकुलेट करो. तो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे इस इक्वेशन को, तो d फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू माइनस c बाय लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा. अब ये वाली इक्वेशन को कहाँ सब्सिट्यूट करना है, इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है. माइनस c बाय लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस ई बी अपॉन में फोर पाई एम. तो अब आपको क्या इवेल्युएट करना है, वेवलेंथ की टर्म्स में प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय c ई बी अपॉन में 4 पाई एम. तो ये जो डी लैम्डा वाली टर्म्स है मतलब चेंज इन वेवलेंथ, स्मॉल चेंज इन वेवलेंथ टर्म, इसको आप क्या बोलते हैं, ज़ीमन शिफ्ट बोलते हैं. अगर आपको यहाँ से e बाय एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से e बाय एम निकालो, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में, तो आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी. तो e बाय एम जो आपने डिटरमाइन करा है वो ज़ीमन शिफ्ट से कैलकुलेट करा है, क्योंकि ज़ीमन शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन फ्रिक्वेंसी फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए.